बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां 69,000 शिक्षा भर्ती मामले में नई अपडेट सामने आई है। कल मामले में होगी अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मित्रों के वकील एचएन सिंह ने आज रखा है अपना पक्ष। कल शिक्षा मंत्रियों के दूसरे वकील रखेंगे अपना पक्ष। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, जिसमें ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, कल शिक्षा मंत्रियों के दूसरे वकील अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। आज भी पक्ष रखा गया है और कल एक बार फिर से 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला है, उसके लिए एक अहम दिन माना जाएगा, क्योंकि आज जो है वो पूरी सुनवाई नहीं हुई है। कल मामले में अगली सुनवाई होगी। तो कल एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के दूसरे वकील जो है वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और इसको भी ज्यादा अपडेट के साथ चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। चंद्रमणि, तो आज का दिन तो बेहद अहम था, काफी लोगों की इस खबर पे निगाह बनी हुई थी, पर कल एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के दूसरे जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। आज की क्या कुछ ताजा अपडेट है, आज जिन्होंने पक्ष रखा है क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, आज शिक्षा मित्रों के लिए काफी अहम दिन था, क्योंकि जिस तरह से पिछली डेट में जो उपेंद्र मिश्रा से शिक्षा मित्रों के वकील उनको जज थे, उनकी तरफ से फटकार भी दी थी, तो आज जो है आज दूसरे वकील जो थे एचएन सिंह ने शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा है। और साफ तौर से उन्होंने एक दलील ये दी कि जो 60% का कट ऑफ है वो एक्सीलेंट कट ऑफ है, अगर मिनिमम कट ऑफ की बात की जाती है तो 30, 35 और 40, 45 कट ऑफ होना चाहिए। तो लगातार शिक्षा मित्रों के लिए वो ये बात कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो कम से कम होना चाहिए, और वहीं पर ये कट ऑफ सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए ही मुसीबत नहीं बना हुआ, साथ में जो बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी है उनके लिए भी मुसीबत बना हुआ। साफ तौर से उन्होंने ये कोर्ट के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि जो कट ऑफ दिया गया है वो एक्सीलेंट कट ऑफ है, उसे मिनिमम किया जाए और कट ऑफ जो है 30, 35 या 40, 45 किया जाए, ऐसा उनकी दलीलें सामने आई। और उन्होंने उसको लेकर आज रिटर्न सबमिशन भी फाइल कर दिया है, और कल अब जो है वो नए वकील शिक्षा मित्रों के और नए सिरे से अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कल का भी दिन जो है वो अहम रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि तमाम अपडेट के लिए।